मुरादाबाद जनपद के कटघट थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रामपुर रोड किनारे बने आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने रिजल्ट को लेकर के वन नंबर कम आने पर स्कूल के अंदर अपने माता पिता के साथ पहुंच करके स्कूल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और स्कूल के गेट पर सभी छात्र छात्राओं ने एकजुट होकर के स्कूल स्टाफ और स्कूल के नाम से मुरादाबाद हाय हाय के नारे भी लगाए। छात्रों का कहना है कि स्कूल स्टाफ की वजह से ही हम लोगों के मार्कशीट में नंबर कम दिए गए हैं, जिसमें आज हमने विरोध जताते हुए सरकार और मुरादाबाद प्रशासन से मांग की है कि हमारे मार्कशीट के नंबर चेक किए जाएं और पिछले रिजल्ट के साथ साथ इस साल के रिजल्ट को भी चेक किया जाए और जिसकी लापरवाही पाई जाए उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। फेल हो जाने पर सभी छात्र निराश और दुखी दिखाई दिए और स्कूल प्रबंधक व स्टाफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हाय हाय मुरादाबाद के घंटों तक स्कूल के गेट पर नारे लगाए। साक्षी शर्मा, आज जो आप स्कूल पे खड़े हो, कौन सा स्कूल है और क्या प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? हमें स्कूल वालों ने अच्छे नंबर नहीं दिए, 50% से ज़्यादा किसी भी बच्चे को नंबर नहीं दिए, ना ही किसी को टॉपर बनाया स्कूल का। स्कूल का नाम और आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल है ये, और इसमें प्री बोर्ड कराए, मई में कराए और मार्च की डेट डलवाई सारे बच्चों से और टेस्ट भी कराए और तब भी अच्छे नंबर नहीं दिए किसी को। किसकी लापरवाही है? स्कूल वालों की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सख्त आदेश थे, बिना कक्षा के सभी को पास किया गया था, लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पास नहीं किया गया? पास करने 10-12 बच्चे हैं, 50 में से 10-12 बच्चे पास नहीं है और बाकी सबको 50 से कम नंबर दिए हैं। नाम है आपका? मेरा नाम सविता शर्मा है। अच्छा सविता जी, क्या समस्या है जो आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं? क्योंकि स्कूल वालों ने मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स दिए हैं, जो नर्सरी से और 9th तक आज तक आए ही नहीं हैं, कभी भी उसके इतने कम मार्क्स आए ही नहीं हैं। मैं चैनल वालों को या मोदी सरकार को, योगी सरकार को अपनी बेटी की नर्सरी से और अब तक की सारी मार्कशीट दिखाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ सरकार नारे लगाती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वहाँ पर मेरी बेटी के साथ ये सब किया है। ऐसी सरकार को सोचना चाहिए बेटियों के लिए। किसकी लापरवाही मानती है? पूरे स्कूल की और पूरे स्कूल के स्टाफ की। क्या मांग करना चाहेंगी? मांग करना चाहूंगी इसकी जांच हो, इतने कम नंबर इन स्कूल वालों ने क्यों दिए, इसकी जांच हो, दिए जाए। मैं तो अपनी बेटी के मार्क्सों की जांच कराना चाहती हूं बस, कि किस आधार पर इन्होंने इतने नंबर दिए हैं। अच्छा, जिन लोगों की लापरवाही है या जिन लोगों ने मार्क्स दिए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई चाहती है अपने माध्यम से? ठोस कार्रवाई चाहती हूं, स्कूल की जांच हो और ऐसा स्कूल तुरंत बंद हो। योगी सरकार यदि बेटियों के साथ है तो ऐसे स्कूल को तुरंत बंद कर दिया जाए। क्या फायदा है स्कूलों में पढ़ाने से जहां बच्चे तो हैं, बोले अभी 48% आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार चतुर्वेदी है। आप आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में किस पोस्ट पर कार्यरत हैं? मैं यहां पे प्रधान प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूं और मैंने इस स्कूल को 5 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया। सर, अभी एक मामला बाहर गेट पर जो स्टूडेंट थे उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट मिलकर कुछ प्रदर्शन जता रहे थे। हाँ, वो क्लास टेन रिजल्ट को लेकर के वो संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनका जो परसेंटेज है 47 और 50% तक है, ये क्या मामला है? क्लास टेन के रिजल्ट से बच्चे और पेरेंट्स असंतुष्ट हैं, उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये रहा कि विगत में इस स्कूल का जो एवरेज था वो खराब था और CBSE की जो टेबुलेशन पॉलिसी थी उसमें CBSE ने हमको स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी थी कि आप जो रेफरेंस ईयर, जो कि CBSE ने, और ये रेफरेंस ईयर को मेल भी CBSE ने किया, कि इस रेफरेंस ईयर के एवरेज को आपको हर हालत में मैच करना है और जो सब स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट है वो परसेंटेज में भी मैच करना चाहिए। तो चूंकि विगत में स्कूल का एवरेज कम था इसीलिए रिजल्ट का एवरेज कम रहा है। इसके लिए CBSE को भी इस बात का अंदेशा था कि इस टेबुलेशन पॉलिसी से लोग संतुष्ट नहीं होंगे और ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया चीज़ है, इसलिए CBSE ने, जैसे अभी क्लास 10 का सर्कुलर तो नहीं आया लेकिन क्लास 12 में उसने बोल दिया, ये सर्कुलर है, कि जो लोग इस टेबुलेशन पॉलिसी से, जो मार्क्स से जो अवॉइड किया गया है उससे संतुष्ट नहीं है वो फिर से री एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके लिए उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी।
तो एक ऑप्शन पेरेंट्स के या बच्चों के पास है कि जब CBSE एग्ज़ाम लेगा वो एग्ज़ाम देके अपना परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं कि CBSE बोर्ड ने एक तरह से बच्चों को बांध के रखा है अपने ही जो CBSE के स्कूल हैं कि अगर इतना परसेंट डाउन होगा तो 100% जो वो अन्य बोर्ड हैं वो तो उनका एडमिशन लेंगे नहीं इस परसेंटेज पे, तो क्या इस तरह की कोई ऐसी बोर्ड से इसीलिए इसी चीज़ को तो दूर करने के लिए CBSE ने कहा कि जो असंतुष्ट है अपने परसेंटेज से वो फिर से रीअपियर कर ले, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में या पांच सब्जेक्ट में, जितने सब्जेक्ट में चाहता है वो कर ले। और तो बच्चों के पेरेंट्स पे बहुत गंभीर आरोप स्कूल के ऊपर, यहाँ के जो प्रिंसिपल और स्टाफ हैं उनका साफ तौर पर बच्चों के माता पिता कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टाफ की सबसे बड़ी लापरवाही है जो ये बच्चों को नाश कर रही है। देखिए विगत में क्या हुआ इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विगत का रिजल्ट का ही ये परिणाम है। हाँ, हमने जब से इस स्कूल को टेक ओवर किया तब से हम स्कूल में लगातार सुधार कर रहे हैं और हमने हमारा वादा भी है कि हम इसको सुधार कर ले जाएंगे। अच्छा, उन माता पिता को क्या आश्वासन दिया जो बच्चों को यहाँ पर, जो CBSE ने हमको आश्वासन दिया है कि आप उनसे कहिए अगर वो असंतुष्ट हैं तो वो एग्ज़ाम दे दें फिर से बैठने, उनके लिए एग्ज़ाम में कंडक्ट कराया जाएगा।